पॉइंट्स भी नहीं है. 100% आई थिंक सो. ओह नहीं यार, नहीं नहीं प्लीज यार, फॉल बैक कर दो नो खुदा दा. माय गुडनेस, दैट वाज अ हेल ऑफ अ ग्रेनेड. फलक को जिस ग्रेनेड ने नॉक किया है, उज़म का एलिमिनेशन पॉइंट होगा कंफर्म. क्रिप्टो का एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा. दिस हैज बिकम अ प्योर राइवलरी. एलिमिनेशन पॉइंट्स दरकार हैं. कौन बचकर निकलेगा? दो खिलाड़ी नॉकआउट मजीद कर दिए जा चुके हैं. टीम एंड ASXI इट हैज बीन एलिमिनेटेड. वोल्ट्रक्स का 1v3. यस, वोल्ट्रक्स ने बहुत जबरदस्त 1v3 किया यहां पर इस सारे सिचुएशन में. लेकिन थर्ड पार्टी हो जाती है फाल्कन फोर्सेस कमिंग. चलो होते बच्चे थर्ड पार्टी सामने. टीम 52 स्पोर्ट्स के वोल्ट्रक्स मौजूद है. T4 OPP भी सामने मौजूद रहेंगे. ईस्ट को यहां पर डैमेज देने की कोशिश. लेकिन वोल्टी बाहर आएंगे. बहुत बाकमाल नॉकआउट निकाला जाएगा. 52 स्पोर्ट्स, they are gonna win another fight. Are they gonna win another fight? ये मेरा सवाल है. अभी के लिए एक और elimination point confirm किया जाता है. Falcon Force जो third party करने आए थे, उनको down to the last two player किया जाएगा. Alien उनके सामने action है. Alien needs to win this 1v1. Alien needs to win this 1v1. Action versus Alien. Alien falling back, लेकिन top आगे आना चाहते हैं. Alien वहाँ पर angle बदलने की कोशिश करेंगे. बाहर दरवाजा खोलकर challenge किया जाएगा players को. लेकिन Alien वो wrap around करने के लिए जाएंगे. Cover fire backend से मिलता है. ग्रेनेड भी यहाँ पर दागा जाएगा. Alien, please. पर हाजन को पता नहीं एक्शन पीछे रहेंगे. नॉक निकालने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे. लेकिन व्हाट अ कलर स्टार है. T24 OPP यहां पर नॉकआउट निकालने में कामयाब होते हुए नजर आते हैं. एलिमिनेशन टॉप एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करने के लिए जा रहे हैं. टॉप यहां पर एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करना चाहते हैं. लेकिन इसी के साथ साथ टॉप के हाथ में ग्रेनेड रहेगा. T24 स्पोर्ट्स हैज नो आईडिया कि कहां पर ये प्लेयर मौजूद हैं. टॉप की तरफ से वापस से फॉल बैक किया जाता है. एंड नाउ ही इज स्पॉटेड आलियन वंस अगेन. एक बार फिर से स्पॉट किया जाएगा. लेकिन वोल्टी 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 कमाल खेलता हुआ नजर आएगा. और इस फाइट को एक बार फिर से एलिमिनेट किया जाता है. एलिमिनेशन की सूरत में खत्म किया जाता है टीम टू स्पोर्ट्स की तरफ से. एक और टीम इस मैच से बाहर की जाती है. कमाल खेला गया. वो कंट्रोल गलत साइड से नहीं जा, लेकिन वो जोन कंट्रोल नहीं लेना चाहते. व्हिच इज देयर साइड से नहीं स्ट्रेटजी अभी के लिए. देयर मोर फोकस्ड ऑन एलिमिनेशन नंबर्स. वो जानते हैं कि सामने एक डिप है. डिप में जोन नहीं है. यहां पर ग्रेनेड चाहेंगे. एलिमिनेशन पॉइंट्स आएंगे. लेकिन अभी के लिए गाड़ी लेकर आगे बढ़ा जाता है. दो प्लेयर्स के दरमियान से आगे बढ़ना चाहते हैं. 3DN स्पॉट किया जाएगा क्रिप्टो की तरफ से. लेकिन वोल्ट्रक्स पकड़े जाएंगे. रेड लाइट को नॉक किया जाता है. 52 स्पोर्ट्स के दो प्लेयर्स इसी स्नान में गिर जाते हैं. लेकिन 52 स्पोर्ट्स नाउ दे डाउन टू द लास्ट प्लेयर. आखिरी प्लेयर पर आ जाती है. How did that happen? वहाँ से जब एज इतनी देर से वो दो प्लेयर सर्कल से बाहर थे, why didn't they reunited with T24 OP जो कि सर्कल के डेड सेंटर में मौजूद हैं? वो एज होल्ड करने के लायक था जहाँ पर टीम फोर मिरेकल वाइब्स को एक साइड से रोका जाता. लेकिन सर्कल से बाहर आप एग्रेस नहीं कर सकते ऐसे सर्कल्स में जहाँ पर सामने 8 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं. लेकिन खैर वहीं पर टीम फोर मिरेकल वाइब्स, उनके भी एक प्लेयर को अब नुकसान पहुंचाया जाता है. लेकिन चिकन डिनर जो निकालना था अनफॉर्चुनेटली वो अब कोई और टीम निकालने जा रही है. एपेक्स आगे बढ़ते हैं. AORE स्पोर्ट्स के खिलाड़ी दो बिल्कुल कॉर्नर्ड हो चुके हैं. T24 OP एक साइड से वो उनके ऊपर क्रॉसेस बना सकते हैं. दूसरी साइड से टीम फोर मिरेकल वाइब्स उनके एलिमिनेशन पॉइंट स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा पुरउम्मीद है. लेकिन दोनों तरफ से ग्रेनेड्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं. T24 के ऊपर आप देखें कहां से मोलोटोव. Make a smile on your face. Let's welcome on board 52 Esports ke ek bade vital player, the player who has been from the start with 52 Esports. Let's welcome on board T24 OP. Shandar khelte hain. Gun skills humne dekhe hain aapke. Welcome back on board and aapko khushamdeed kahunga T24 sabse pehle. Kaise hain aap? Hello, assalamu alaikum. Main theek. Aap bataye. Assalam walikum. Assalam. Hum bilkul theek hain. Aur pareshan kyun hain? Pareshani ki wajah kya hai? Pehla mera ye sawal hai. परेशानी को जाए कि परफॉर्मेंस और तो कुछ है नहीं. क्या लग रहा है? अच्छा पहले मैं आपको ये कहूंगा कि जस्ट यू नो जस्ट काम डाउन. कुछ नहीं होता, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं ठीक है. बट मुझे अब ऑनेस्टली बताइए कि व्हाट हैज बीन गोइंग रॉन्ग. 52 स्पोर्ट्स PMSL से पहले एक और रूप, एक और अंदाज. क्या हुआ ऐसा PMSL में? प्रेशर था या क्या था? कोई भी ऐसा एक्सक्यूज नहीं है कि ये नहीं था, कोई इस वजह से परफॉर्मेंस नहीं हुई या कोई भी ऐसी बात नहीं है कि बस हमसे हो नहीं रहा. हम
हमने मेहनत भी पूरी की, यानी कि हमने सीजन ऑफ रहे, डायरेक्ट गेम खेली या कुछ, हमने बहुत प्रैक्टिस की, शायद हमसे ज़्यादा किसी और टीम ने की भी नहीं होगी, हमने उतनी मेहनत की, बट हमसे नहीं हो रहा, हम टोटली एग्री कर रहे हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि इस वजह से नहीं हो रहा है क्या, बस हमारी गलती हमसे नहीं हो रही। That's a relief कि आप इस स्टेज पर आकर गलती जगहों से एक्सेप्ट कर रहे हैं rather than blaming on conditions or situations. खैर, let's not talk about the whole team, let's talk about T24 as a player. T24 as a player, when we talk about it, जब मैं इस बारे में बात करता हूँ तो I always rank you above all those players जो एक लंबे अरसे से खेल रहे हैं, और आई ऑलवेज रैंक T24 OPIs, and मतलब मैं कहता हूँ कि यार ये वन ऑफ दोज बेस्ट प्लेयर्स है, अगर यंग टैलेंट्स की बात करें तो वन ऑफ दोज यंग टैलेंट्स, हम कंपेयर कर रहे होते हैं एक्शन के साथ, कंपेयर कर रहे होते हैं हम कंपेयर करेंगे तो डॉग के साथ कंपेयर करेंगे, हालांकि चलें वो डिफरेंट रोल्स आ जाते हैं, बट एज अ प्लेयर जब हम कंपेयर करते हैं तो बड़े प्लेयर्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो T24 की परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो T24 से क्यों नहीं हो पा रहा, आप कह रहे हैं टीम से नहीं हो पा रहा, अंडरस्टैंडेबल, बट आपको ऐसा क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है इन ऑल दोज 1v1s एंड टीम फाइट्स? अगर आप लास्ट सीजन भी देखें तो जब टीम नीचे पे होती थी तो मैं यही कोशिश करता था कि मैं अपनी टीम को फाइट्स जिताऊं, और जिताता भी था, लेकिन इस सीज़न बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, कुछ मतलब फाइट ली नहीं जाती इधर टीम में, बट स्पेशली मैं फाइट्स में लाइक कुछ रोल ही नहीं होता मेरा, हर फाइट जैसे फाइट स्टार्ट होती है मैं मर जाता हूँ या कुछ इस तरह, तो इस वजह से मेरी टीम भी थोड़ा लो कॉन्फिडेंस हो जाती है, क्योंकि मैं आगे खेलता हूँ, मेरे साथ वर्टर्स होते हैं, तो बस फाइट्स में यही है कि मेरे से नहीं हो रहा अभी। अब बोले आप बोले, अच्छा आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, सबसे पहले तो डू यू थिंक कि गोकू का ना होना इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आप जब फाइट में आगे हैं तो आप पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, रोल चेंज हो गया आप शायद इस वजह से? गोकू सपोर्ट प्लेयर था तो गोकू से ना होने या होने से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सपोर्ट प्लेयर पे क्रिप्टो है जो कि आप सबको पता है वो बेस्ट ही है सपोर्ट प्लेयर, तो इतना इशू नहीं है गोकू खेलने या ना खेलने से, बट हाँ सिनर्जी इश्यूज हो जाते हैं टीम में कभी कभी, क्योंकि वो गोकू काफ़ी टाइम से हमारे साथ खेल रहे और हमें अभी इतना टाइम नहीं हुआ आपस में, बट इस ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते गोकू था या नहीं था, सारे मतलब हम इधर टीम ही सही नहीं खेल रहे। असल में T24 मेरा आखिरी सवाल आपसे कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ एंड आपकी आवाज़ जो थोड़ी सी लड़खड़ा रही है मैं वो भी चीज़ समझ रहा हूँ, so relax, I like relax, कि थोड़ा सा स्माइल कर रहे हैं यार, स्माइल कर रहे हैं, आपको बताऊं कि जहां पर मोहब्बत जिससे कोई करता है ना तो थोड़ा सा बैकलैश आता है जब वो नहीं खेलता, तो मोहब्बत हमें आपसे इतनी थी एंड है भी, हमेशा रहेगी, वी ऑल नो कि कितना केपेबल 52 ई-स्पोर्ट्स का नाम है, ऑब्वियसली दिस इज अ बिग स्टेज, ऑब्वियसली दुख पहुंचता है, लेकिन जस्ट रिलैक्स, जो हो गया आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, जस्ट लुक फॉरवर्ड व्हाट यू कैन डू, द टाइम इज लेफ्ट। अलादीन कुछ कहना चाहता है? सही कहा आपने, मैं बस यही कहना चाह रहा था, देखें आप लोग इस वक्त जो गिल्ट फील कर रहे हैं आई कैन अंडरस्टैंड, बट डोंट फील दैट गिल्ट, आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आप हैं, पाकिस्तान के फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देयर इज अ ह्यूज प्रेशर ऑन यू, बट यहाँ तक स्लॉट बनाया भी तो आपने खुद ही था, नो वन गिफ्टेड यू, किसी ने आपको ये नहीं कहा था कि पकड़ने स्लॉट जाकर खेलें, सो देयर इज नो लायबिलिटी, देयर इज नो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ठीक है इतना प्रेशर ना डालें अपने ऊपर कि आपकी परफॉर्मेंस ही ना आ पाए, रिलैक्स होकर खेलें, खेलें अपना नेचुरल गेम प्ले खेलें, बेस्ट ऑफ लक, यू गाइस कैन But I still believe, मुझे अभी उम्मीद है, आखिरी मोमेंट तक I want to say this, तुम जीतो है हारो सुनो हमसे, हमें तुमसे प्यार है, but let's move forward, thank you so much, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका यहाँ पे आने का, टाइम देने का इस सारी सिचुएशन में, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब आपको बुलाएं तो आप MVP ही हों, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, बाकियों को भी ये इंटरव्यू लाजमी सुनाइएगा, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, इंशाल्लाह कल आपको देखते हैं एक्शन में, थैंक यू T24, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।